कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित या परिणाम है। नमस्कार, मैं सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल संदीप विश्नोई मोटिवेशनल कोच पर। और आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में जो हमारी ब्रेन की मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, उसकी याद करने की रिटेंशन पावर, इन सभी को मजबूत करेगी। ये ब्रेन एक्सरसाइज ऐसी है जिनको आप कभी भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन माइंड को भी डेली एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, तभी यह परफेक्ट डिसीजन ले पाता है, बेटर डिसीजन ले पाता है। इसीलिए आज मैं आपको पांच ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज को बताऊंगी जिनको आप कभी भी कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे आपके माइंड के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक्सरसाइज नंबर 1, फिंगर गेस्चर, यानी अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को वीनस साइन में लाइए और राइट हैंड के फिंगर्स को इस साइन में। फिर आपको इन गेस्चर को एक्सचेंज करना है, मतलब इस फिंगर्स को इस गेस्चर में और इन फिंगर्स को इस गेस्चर में। ये आपको फास्ट फास्ट यानी कि एक मिनट में आप इन गेस्चर को एक्सचेंज जितना ज्यादा कर सकते हैं, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होगा इस टाइप से। इस एक्सरसाइज को करने से आपका दिमाग एक समय में दो काम पर फोकस करने में कैपेबल होगा, साथ ही साथ वे अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक पहुंच सकेगा। एक्सरसाइज नंबर 2, मल्टी कलर टेक्स्ट, यानी इस एक्सरसाइज में आपको कुछ कलर्स के नेम पढ़ने होंगे जो उनके खुद के कलर में नहीं लिखे होंगे, यानी जैसे येलो कलर है तो वो येलो कलर के अलावा दूसरे कलर में लिखा होगा। इन नेम्स को इस प्रकार पढ़ने से आपका ब्रेन अपना 100% यूज करने में समर्थ हो पाएगा और आपका ब्रेन कभी भी कोई भी काम करते वक्त 100% एक्टिव रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 3, चेंज योर ऑर्डर, मतलब आप जो डेली काम करते हो उनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मतलब जैसे आप ब्रश राइट हैंड से करते हो उसको लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दीजिए। आप शूज पहले राइट लेग में पहनते हो तो लेफ्ट लेग में पहले पहनना शुरू कर दीजिए। अपनी वॉच राइट हैंड में पहनते हो तो लेफ्ट हैंड में पहनना शुरू कर दीजिए। इस ऑर्डर को चेंज करने से हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये काम जब हम डेली करते हैं तो हमारा दिमाग उस टाइम कंफर्ट रहता है, वह उस काम पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तब उसे काम पर फोकस करेगा, जिससे कोई भी काम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं होगा। यह एक्सरसाइज हमारी पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, इससे हमारी पढ़ाई में दिमाग के द्वारा कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। एक्सरसाइज नंबर 4, वर्क विद ब्लाइंडनेस, यानी अंधे बनकर काम कीजिए। अंधे बनने का यह मतलब नहीं कि आप रियल में अंधे बन जाओ और फिर काम करो। अंधे बनने का मतलब है कि आप कोई भी काम करो जो डेली करते हो उसको आंख बंद करके करो, यानी जब आप ब्रश करो तो आंख बंद करके करो, शूज पहनो तो आंख बंद करके, कुछ लिखो तो आंख बंद करके लिखो, कपड़े अलमारी में रखो तो आंख बंद करके रखो। आंख बंद करके काम करने से क्या होगा कि हमारी सारी सेंसेज और दिमाग के सारे न्यूरॉन्स उस टाइम पे एक्टिव रहेंगे, इससे हम कोई भी काम करेंगे तब हमारा 100% हम उस काम में दे पाएंगे और हमारे द्वारा उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। एक्सरसाइज नंबर 5, टेक द राइट स्ट्रेस, ध्यान से सुनिए, राइट स्ट्रेस मतलब इस बात को सुनकर आप कहीं रॉन्ग स्ट्रेस लेने शुरू ना कर दो कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, इस बार बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इस महीने की इनकम अच्छी नहीं हुई है। स्ट्रेस लेने का मतलब ये कि आप शर्ट टेबल सॉल्व करो, शुडू को सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो। इन प्रैक्टिस को करने से हमारे दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है, इससे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत ही इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं कि इन एक्सरसाइज को करने से क्या फायदा होता है। इन एक्सरसाइज को करने से हमारा दिमाग कोई भी काम करते वक्त हमेशा एक्टिव रहेगा और हम उसका 100% यूज ले पाएंगे, और इन काम को बार बार हम करेंगे तो हमारी ब्रेन की एक हैबिट बन जाएगी कि जब हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें उसका 100% देना है और उस टाइम उसे हमेशा एक्टिव रहना है। फिर हम
जो भी काम शुरू करेंगे तो हमारे दिमाग का पूरा भाग उस काम को सोचने में लग जाएगा और हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे पूरे दिमाग का 10% होता है और दुनिया के मैक्सिमम लोग कॉन्शियस माइंड का भी पूरा यूज नहीं करते। तो सोचिए, जब हम सबकॉन्शियस माइंड का भी पूरा यूज कर सके तो हम कितना बेटर डिसीजन और कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए यह एक्सरसाइज आपके अवचेतन मन को भी यूज लेने में, आपकी हैबिट बनाने में आपकी हेल्प करेगी। कदम निरंतर चलते जिनकी, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। यदि आप इन एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी रखेंगे, दृढ़ता रखेंगे, रोज करेंगे, मैं यह नहीं बोली कि आप इन सारी एक्सरसाइज को की, आपको जो पसंद हो वो एक्सरसाइज की, लेकिन आप यदि कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आप कुछ दिनों बाद पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं अधिक बेटर डिसीजन ले पाता है। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी पहले से कई गुना तेज हो चुकी होती है और अब यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका दिमाग उलझन में पड़ने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएगा। तो करते रहिए इन एक्सरसाइज को और करते रहिए अपने दिमाग को तेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस।